नमस्कार दोस्तों, बिहारी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है कि हम एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सावन का महीना चल रहा है, लोग पागल कर दिए हैं हमें घर में। तो आज जो है मछली हम आर्टिफिशियल बनाने जा रहे हैं। इसको आलू का स्लाइस हम ले लिए काट के और बीच से इसको कट लगा लिए, क्योंकि तो बिल्कुल रेहू मछली के जैसा दिख रहा है। हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा देके हम इसको अच्छे से मिला रहे हैं। फर्स्ट क्लास इसको जो है इसको अच्छे से मिलाना है, ताकि नमक इसके अंदर अच्छे से जा सके। बच्चों ने हमें पागल करके रखा है, इसलिए आज जो है जुगाड़ लगा लिए हैं कि इसको खिलाएंगे ही, बिल्कुल मछली का मसाला बनाएंगे। देखिए, सरसों का तेल लिए हैं, इसमें सबको फ्राई कर देंगे। हूबहू रेहू मछली के पीस के जैसा ये दिख भी रहा है, और अगर बनाएंगे तो लगभग स्वाद भी वैसा हम ज़रूर ला देंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, तब आप जान पाएंगे ये है क्या और कितना टेस्टी। देखिए, दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट के इसको फ्राई कर लेंगे। लगभग हो गया है, अब इसको हम निकाल ले रहे हैं। और ये मसाला ले लिए हैं, धनिया, जीरा, गोल मरीच, दो चार काजू, और जो है टमाटर भी है, लहसुन भी है, सबका मसाला हम बना लिए हैं। हल्दी पाउडर यहाँ ऐड कर रहे हैं और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से इसमें उबाल आ गया, अब हम इसको डाल दिए इसमें हमारा जो रेहू मछली है, उसको अच्छे से बिछा दिए। 10 मिनट के अंदर देखिए ये गाढ़ा हो गया झोल। अब इसमें हम धनिया पत्ते से सजाएंगे और गर्मा गर्म चावल हो, रोटी हो, पराठा हो, उसके साथ हम सर्व करेंगे। रोटी के साथ हमने बनाया है, आप चाहे तो चावल के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए। बहुत ही टेस्टी सब्जी, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार है। पूरे सावन इस सब्जी का एंजॉय कीजिए, अपने परिवार को खुश रखिए, दिलासा दीजिए। सावन ख़त्म होते ही आप अब उसको ओरिजिनल दीजिएगा।